हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और गणेश चतुर्थी चल रहा है और आज चौथा दिन है और पानी बहुत गिर रहा है, इसलिए मैं कार से जा रहा हूँ ऑफिस। और ऑफिस जाते जाते मैं ये बात सोच रहा था कि पानी इतना गिर रहा है, लोग कैसे कर रहे होंगे, गणेश कब देखने जाएंगे। और तभी मैं देखता हूँ कि गाय एक बैठी हुई है रोड पे। पानी बहुत गिर रहा है दोस्तों, किसी को कोई परवाह नहीं है कि गाय को लग गया या कोई कौन बैठा है कैसा है। मैं गाड़ी आगे चला गया था, मैं भी गाड़ी रिवर्स करके मैंने इसे देखा। इसकी कमर में चोट लगा है दोस्तों, जैसे हमेशा लगता है, और आई थिंक कमर इसकी टूट गई है और यहाँ चोट लगी है। अब ब्लीडिंग भी हुआ है बैक साइड से और वहीं उसने गोबर भी कर दिया। और नहीं पता कितने घंटे से और कितने रात से वो यहाँ पड़ी हुई है दोस्तों। देखो आप उसकी स्थिति देखो दोस्तों, बहुत ही गंभीर स्थिति है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है दोस्तों जब हम किसी गाय को देखते हैं इतनी गंभीर स्थिति में। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है दोस्तों, पानी कब से गिर रहा है और कोई उसकी सूद लेने नहीं आया। वहाँ लोगों ने रोटी भी फेंक दिया है मैंने देखा, बट किसी ने उसे मदद नहीं की उसकी। और अगर मेरे जैसे अगर कोई आदमी रुक के वहाँ पर थोड़े देर, मैं ऑफिस जाते जाते उसे देखा हूँ और मुश्किल से मुझे 10 से 15 मिनट मुझे लगे हैं उसका वीडियो और फोटोज़ बनाने में। और दोस्तों आप लोग भी कहीं ना कहीं अगर मदद करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं अपने मन में अब इंसानियत जगाना होगा दोस्तों। और कम से कम मैं भिलाई वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो देख रहे हैं जो भी लोग, प्लीज़ 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 आप लोग अपने एफर्ट डालें। कभी भी किसी बेजुबान या किसी भी ज़रूरतमंद आदमी की आप लोग मदद करें दोस्तों, भगवान आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुआ मिलेगी दोस्तों। और प्लीज़ हेल्प करें बेजुबानों का, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि ये बोल नहीं सकते दोस्तों, अपना दर्द नहीं बता सकते। उस गाय का कमर टूट चुका है, आप समझ लीजिए आपका कोई हड्डी अगर टूटता है तो कितना दर्द होता है, वो उतने दर्द में होगी दोस्तों। मैं वीडियो से हमेशा अपने वीडियोस में यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें जो कुछ करना है यही करना है दोस्तों। अभी देखो मैं लंच के टाइम में निकला हूँ, मैं 10 बजे वो वीडियो बनाया और मैंने ये 1 बजे अभी ये देखिए मैं जा रहा हूँ अपोजिट साइड में और नेहरू नगर चौक से सर्विस लाइन में, क्योंकि और कोई जाने का रास्ता नहीं है दोस्तों। और वो है रायपुर से नांदगांव वाली रोड पे है गाय, तो अपोजिट साइड में जा रहा हूँ। गाड़ियाँ थोड़ी जाम लगी हुई है, देख सकते हो आप लोग। और ऐसे ही मैं भरत भैया की गाड़ी आके खड़ी हो चुकी है वहाँ पर, मुझे कॉल आ चुका है, मेरे ऑफिस के पास में ही है इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों। आगे में एक छोटा हाथी जिसे हम लोग बोलते हैं, देखिए राइट हैंड साइड में वो गाड़ी है दोस्तों। और गाय इतनी भारी, अभी पानी गिर रहा है दोस्तों और हमें ये एक रॉड के थ्रू इसको उठाना था, हम सिर्फ 4 बंदे और इतनी भारी गाय दोस्तों। बड़ी मुश्किल से गाय को हम लोग गाय के ऊपर रखे हैं। और आई होप अगर आप लोग की सबकी दुआ होगी तो दुआ रहेगी तो दोस्तों ये गाय जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट्स प्लीज़ करें दोस्तों। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।